सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु ख्रिस्त में। प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 4 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का मुख्य संदेश है योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों को प्रभु यीशु से मुलाकात कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है देखो ईश्वर का मेमना। योहन बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से इतना ही कहा, यीशु को आते देखकर अपने शिष्यों को कहा कि देखो ईश्वर, ईश्वर का मेमना। योहन बपतिस्ता के शिष्यों ने देखा यीशु को, यीशु की व्यक्तित्व पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी, इतनी सुंदर थी। योहन बपतिस्ता के शिष्य तुरंत यीशु के पीछे हो लेते हैं। जब यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे, यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कराना चाहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका मकसद क्या है। क्योंकि आज के परिवेश में हम देखते हैं अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग लक्ष्य को लेकर या अलग अलग प्रकार के मकसद को लेकर प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं और उसके बाद जब उनका मकसद पूरा नहीं होता, उनका लक्ष्य हासिल नहीं होता, उनका उद्देश्य जिस उद्देश्य उन्होंने अनुसरण किया है वो पूरा नहीं होता, लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता हो वो अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्य को क्लियर करें और अपने मकसद को साफ सुथरा रखें, तब जाके प्रभु का अनुसरण कर सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु ने उन दोनों योहन बपतिस्ता के शिष्यों को जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे उन दोनों से कहा क्या चाहते हो, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, रबी यानी कि टीचर, रबी आप कहाँ रहते हैं। यानी कि इनके मन में उद्देश्य स्पष्ट था, वो यीशु को जानना चाहते थे, जानने से भी ज़्यादा वो अनुभव करना चाहते थे, प्रभु यीशु को अनुभव करना चाहते। इसलिए उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हैं। जैसे ही उन्होंने सवाल किया आप कहाँ रहते हैं, प्रभु को पता चला कि इन लोगों का उद्देश्य क्लियर है, स्पष्ट है। इसलिए प्रभु यीशु ने तुरंत उनको निमंत्रण देते हुए कहा आओ और देखो, आओ और देखो, यानी कि कम एंड एक्सपीरियंस। और प्रभु का निमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिए यही है, आओ और देखो, यानी कि प्रभु के पास जाके प्रभु को एक्सपीरियंस करना, प्रभु को अनुभव करना आज के दिन में बहुत ही जरूरी है। पहले क्या था, केवल जानकारी थोड़ी बहुत मिल गई काफी है, लेकिन आज के दिन में जानकारी सबके पास है, सबके पास हर चीज़ की जानकारी है, लेकिन केवल जानकारी से बात नहीं बनती। प्रभु यीशु कहता है जानकारी के साथ साथ तुम्हें अनुभव की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु ने कहा आओ और देखो। और बाइबल बताता है प्रभु यीशु के पास वो गए, उनके साथ रुके, उन्होंने अनुभव किया, यीशु को उन्होंने अनुभव किया। जब यीशु को अनुभव किया, यीशु के साथ रहकर, यीशु के साथ समय बिताकर, और उस समय निश्चित रूप से यीशु से बहुत सारे सवाल उन्होंने किए होंगे, बहुत सारी बात समझ ली होगी, यीशु का जीवनचर्या देखकर उन्होंने अनुभव किया। और अनुभव करने के बाद वो क्या कहते हैं, हमें मसीह मिल गए हैं, यानी कि वो घोषणा करने लगते हैं, अपने अनुभव को साझा करने लगते हैं दूसरे अपने साथियों से, दूसरे लोगों से इस बात का ऐलान करते हैं
कि हमें मसीह मिल गए हैं, वी हैव फाउंड क्राइस्ट, हमें यीशु मिल गए हैं, मसीह मिल गए हैं। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने गहराई से प्रभु का अनुभव किया हो। और ये दोनों यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य प्रभु के पास जाके रुके, देखे और अनुभव किए, और उस अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं हमें मसीह मिल गए हैं। ईसाइयों ने उन्हें देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र, और वह उसे ईसा के पास लेके आए। जैसे ही उन्हें अंद्रियास ने अपने भाई पेत्रुस से कहा कि हमें मसीह मिल गए हैं, ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। उन्होंने ना केवल अनुभव का साझा किया बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों को यीशु के पास लाया। ये कार्य है हर व्यक्ति जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है। हर व्यक्ति जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है उसका मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए, उसका उद्देश्य लक्ष्य मकसद क्लियर हो सबसे पहले, उसके बाद यीशु को यीशु के पास जाए हर दिन प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, और अनुभव करें यीशु को हर दिन, अनुभव करें, अनुभव को साझा करें, अनुभव को बांटें, बांटने के बाद लोगों को यीशु के पास लेकर आए। ये महत्वपूर्ण कार्य है कोई भी व्यक्ति जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस छोटे से उदाहरण के द्वारा ये सिखाता है, जैसे योहन ने अपना कार्य किया, योहन ने अपने शिष्यों को यीशु से परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया, और उसके शिष्य यीशु के पास गए, यीशु के पीछे गए, यीशु के साथ रुके, अनुभव किया, अनुभव करने के बाद अनुभव को साझा किया, उसके बाद अपने साथ जुड़े हुए लोगों को यीशु के पास लाए। यह है मिशन कार्य, यह है मिशन कार्य। और इस मिशन कार्य को करने के लिए आज का संदेश हम सबों को बुलावा देता है। जैसे योहन बपतिस्मा ने कार्य किया, उनके शिष्यों ने जैसा अनुभव किया, वैसे हम भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु का अनुभव करें, उस अनुभव को हम दूसरों के साथ बांटें। इस कार्य के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। तो आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बुलाया है आपके नज़दीक, आपके करीब, और आपको अनुभव करने के लिए और उस अनुभव को दूसरे के साथ साझा करने के लिए आपने हम सबों को जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को हम सभी समझ सकें, आपका अनुभव हम प्राप्त करते हुए दूसरों के साथ उस अनुभव को बांटते हुए लोगों को आपके पास लाने का कार्य करने में हम सबों को हिम्मत, साहस और बल प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन।